सर ऐसी बात कह दी आप, खुदा से बढ़ के मैं खुश नहीं होते तो यहाँ बताइए, मैं नमाज छोड़ करके यहाँ रुका हुआ, नमाज में जाके देर से पढ़ूंगा। कि खुद ही को कर बुलंद इतना के हद तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। महेश्वर सिंह के आवास पे आए हुए हैं और जहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ युवा एकदम हर्षोल्लास के साथ में शॉर्ट खोल के हम कह सकते हैं नाच रहे हैं, वही हमारे गार्जियन समान बड़े भाई लोग एकदम चुप बैठे हैं। क्यों आप खुशी में नहीं है क्या, थोड़ा सा बताएं। देखिए हम लोग इस उम्र में है कि खुशी दिल में मनाई जाती है, क्योंकि बच्चे हैं जो खेल रहे हैं उनका अपना अपना ये है, खुशी तो सबको है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ये ऐसा इंसान है कि जिसको सब लोग, सब धर्म के लोगों ने एकदम दिल से चाहा है। तो हम वही सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि भाई देखिए कि हम लोग की दिल की मुराद पूरी हो गई, दूसरा क्या कर सकते हैं। अपना शुभ नाम थोड़ा सा। मेरा नाम फारूक आजम हुआ, हम ढाका प्रखंड से आते हैं, वहाँ के हम मुखिया हैं। और हमारे प्रखंड के अंदर जितना वोट मिला है उतना कहीं नहीं मिला होगा, यानी कि हम कह सकते हैं आपने बहुत ज़्यादा उस प्रखंड से मेहनत की। जी 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 जी, हम लोग 6 महीना से मेहनत कर रहे थे साहब। कुछ और हैं यहाँ पे, एक हमारे गार्जियन टाइप भैया, आप खुश नहीं है क्या। जी बिल्कुल खुश है, एकदम माथा पे हाथ। नहीं नहीं खुश नहीं होते तो यहाँ बताइए, मैं नमाज छोड़ करके यहाँ रुका हुआ, नमाज में जाके देर से पढ़ूंगा। यानी कि आप नमाज छोड़ के, और बाद में जाके हम नमाज पढ़ लेंगे, पूरा हम कर लेंगे नमाज, लेकिन खुशी की वजह से हमको आना पड़ा है टाइम पे। खुशी नहीं बांटते तो कल जो है ना उतनी खुशी नहीं मिलती। तो आपने सर ऐसी बात कह दी, आप खुदा से बढ़ के महेश्वर बाबू। नहीं नहीं, खुदा से बढ़ करके महेश्वर बाबू को मैं नहीं मान रहा हूँ, खुदा खुदा है, उनसे बढ़ करके कोई भी जो है ना जीव जंतु नहीं हो सकता है। लेकिन वो काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ, जो काम मैं छोड़ के अभी आया हूँ उस काम को मैं बाद में पूर्ण कर लूँगा। लेकिन ये खुशी का मौका जो टल जाता है ना, तो शायद कल इतनी खुशी मुझे नहीं मिलती जो अभी मिल रही है। और मैं ढाका प्रखंड बलुआ गोवारी पंचायत से आया हूँ, वहाँ का मैं प्रजेंट सरपंच भी हूँ। और हमारा ढाका जो है ना, इनके लिए इतना मेहनत किया है कि जिसका कोई मतलब इंतहा नहीं है। हमारे ढाका से इनको जो है ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, हर प्रखंड से ज़्यादा हमारे ढाका से वोट मिला, इसलिए ढाका की जनता जो है ना बहुत दिल से जो है ना इनका सम्मान किया और इनकी जीत पे सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। जहाँ तक भैया हम देख रहे हैं, ढाका खास करके RJD और वर्तमान में पवन जायसवाल है, तो वहाँ या तो भाजपा को मिलता नहीं तो लालटेन को मिलता, एकाएक महेश्वर बाबू कैसे, आप लोगों ने कैसा गणित चलाया, थोड़ा सा कुछ बता दीजिए। देखिए गणित हम लोगों ने नहीं चलाई है, महेश्वर बाबू जो हमारे इस तरह के नेता है जो सारे समाज के लोगों को लेकर के एक साथ चलते हैं, वो उनको जो है ना जात बिरादरी से मतलब है, न किसी पार्टी से मतलब है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे समाज के अंदर सौहार्द वातावरण बना रहे, हर आदमी सही ढंग की ज़िंदगी गुजारे और सबके खुशी के साथ ज़िंदगी को जो है ना हम आगे बढ़ावे। इसीलिए सब लोगों ने इनके तरफ अपने आप को जो है कन्वर्ट किया और इनको वोट देके जिताने का काम किया। बहुत अच्छी बात भैया ने कही है। जहां तक लोग हिंदू मुस्लिम को वोटों में बांटते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं ऐसे मुस्लिम समुदाय RJD को देते हैं, लेकिन मैं खास करके इस भैया के बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ कि कोई किसी का ठेकेदार नहीं है और किसी के वोट पे किसी का अधिकार नहीं है, और इनके बातों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मैं अभी संग्रामपुर से जिला पार्षद नरंगी खां जी हैं, और खास करके मैं जहाँ देख रहा हूँ लोग बोलते हैं ऐसे राजपूतों के वोट से महेश्वर सिंह जीते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक चीज अस्पष्ट मैं देख रहा हूँ और मैं आपको बयां कर रहा हूँ। जैसे कि एक हमारे मौलवी साहब भैया ने बोला, हम अपना नमाज छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं, और एक नारंगी खां जिला परिषद भैया हैं, मैं उनके बातों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। लोग बोलते हैं ऐसे मुस्लिम समुदाय RJD के तरफ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं जा रहा है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ सर। किसी ने कहा है कि RJD का मतलब मुस्लिम, मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मुस्लिम बिरादरी जो है वो पहले वाले मुस्लिम नहीं रहे, ये 15-20 साल 10 साल के अंदर में बहुत बदलाव आया, तालीम आई, समझ आई, और ये RJD राजद NDA भाजपा किसी का चुनाव नहीं था। ये 6600 कुछ मतदाता जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, उनको अपना एक प्रतिनिधि चुनना था। एक बात बताइए नारंगी खां जी, हम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने प्रत्याशियों में आपने महेश्वर सिंह को भी कैसे चुन लिया, थोड़ा सा बताइए। मैं आपको बताऊं, मेरा घर जो है पहले गोविंदगंज विधानसभा हुआ करता था, मेरा बॉर्डर है हरसिद्धी विधानसभा का, अब मेरे क्षेत्रीय हुए कि अनुमंडल के रहने वाले लोग हैं, 2 बार हरसिद्धी से विधायक रहे, 40 साल से इनके करेक्टर को, इनके समझदारी को मैं दाद देता हूँ, इसलिए मैं इनके लिए मर मिटने के लिए तैयार था।
2700 प्रखंड का ऐसा कोई गांव कोना नहीं है मैंने छान नहीं मारा है। और मुस्लिम मत आपको बता दे 60-70% मुसलमान इनके बात पर, इनके बहादुरी पर, इनके जनप्रतिनिधि होने पर गौरव महसूस करते हुए रमजान के महीने में रोजा रख के पहला रोजा को जो औरतें हमारी जहाँ जहाँ जिनसे बात हुई, मैंने खाला कहा, फुफू कहा, मामी कहा, रिश्ता जोड़ा, सबको समझाया कि आप वार्ड सदस्य हैं, आप महिला हैं, आपके साथ कोई दिक्कत आएगी जब भी वो बाबू महेश्वर सिंह आके आपके आवाज़ में हाँ मैं भर के खड़ा होंगे, एक फ़ोन कीजिएगा वो आ जाएंगे, आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। जिला परिषद महोदय हम यह चीज़ स्पष्ट कह सकते हैं कि पैसा पर भारी पड़ा है महेश्वर सिंह का चरित्र, पैसा पर बिल्कुल भारी पड़ा है। और जितने जनप्रतिनिधि आए हैं जीत के वो किसी जात बिरादरी के हों, राजपूत हों, ब्राह्मण हों, भूमिहार हों, दलित हों, जादोजी हों, मैंने मुस्लिम में किसी बिरादरी के लोग हों, सबका समर्थन प्राप्त है। हिंदू और मुसलमान का एक ही चेहरा चाहिए था कि इस बार का फैसला महेश्वर सिंह को देना पड़ेगा। राजद वालों से शिकायत क्या हुई हमारी, मैंने देखा, मैं खुद राजद में था, बोला कि इनको समझा के लाया गया, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया और ये कह के बनाया गया कि आप जाइए तैयारी कीजिए एमएलसी का, एक प्रत्याशी दूसरे आ गए, उनसे भी मेरी कोई शिकायत नहीं। और इनको 6 साल के लिए निलंबित किया, जिस दिन निलंबित किया ये बारूदी सुरंग भड़क गया कि ऐसा क्यों महेश्वर सिंह को ऐसा बेइज्जती करने का काम किया, वो निर्दलीय थे, निर्दलीय लड़ते, राजद मिलाना फिर ठुकराना, ये चरित्र राजद का है। जहाँ तक हम बाहर उधर खड़े हुए थे लोग एक नारा लगा रहे हैं से महेश्वर नहीं आंधी है और चंपारण का गांधी है, क्या कह रहे हैं इस पे 100 गुना मैं आपको कह रहा हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना के हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। महेश्वर जिसका नाम है वो चंपारण में एक शान रखता है, अपने आप में एक बहादुर इंसान है, निधड़क इंसान है, बेबाक इंसान है, जिसके लिए आज तमाम जनता पूरी दिन आधे से ज्यादा मुसलमान लोग हमसे जो लोग भी मिले हैं हर प्रखंड से आए थे, अफ्तारी के पहले हुआ कि अभी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, कुछ लोग यहाँ अफ्तारी किए, लोग पानी से रोजा खोले, लेकिन अपने ईमान को नहीं बेचा।